हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मार्च 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ मैंने पुराने दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी लिंक करके आपका रिविजन भी कराया हुआ है। इसके बाद आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। क्विज के साथ साथ आप लोग MZT ऐप से दोस्तों हर प्रकार की वीडियोज़, क्विजेज, ऑडियो रिविजन, PDF फाइल्स और ई बुक्स वगैरह भी पा सकते हो। और अब तो 5 रुपये में ही मॉक टेस्ट भी आ गया है। तो आपने अगर अभी तक MZT ऐप को नहीं इंस्टॉल किया है तो जल्दी से जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, निम्न में से किसे वर्ष 2019 के लिए राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया? तो 2019 के लिए दिया गया था JS खंडेराव को, 2020 के लिए दिया गया था वासुदेव कामत को। अगला था, नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, 1913 में इनको मिला था। क्लियर है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अब दोस्तों आप लोग डेली डिटेल में आंसर करके हमारी मंथली ई बुक भी जीत सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने स्कूलों और कॉलेजों में सभी प्रकार के हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि सभी प्रकार के कॉलेजेस और स्कूल्स के कैंपस में जितने भी प्रकार के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, राजनीतिक आंदोलन होते हैं, सभी पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ इस आदेश में ये भी कहा है केरल हाई कोर्ट ने कि जो हड़ताल में जो छात्र स्टूडेंट भाग नहीं लेना चाहते हैं उन पर फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो केरल हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है स्कूलों और कॉलेजों में हर प्रकार के हड़तालों पर बैन लगाने के लिए। अच्छा, अब केरल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। कौन है? एस मनी कुमार। और भी हाई कोर्ट के नाम जो दिए हैं उनके नाम भी हम लोग जान लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के करंट टाइम पर अभी एक्टिंग हैं चीफ जस्टिस, यानी कि अभी कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं। कौन है? BP धर्माधिकारी। कौन? BP धर्माधिकारी जी अभी यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय हाई कोर्ट की अगर बात करें तो मोहम्मद रफीक जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अजय लांबा जी हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस। केरल से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बना था केरल। ओके, अच्छा आपसे अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो याद रखिएगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था पुडुचेरी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब केरल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल हाई कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार। पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है केरल में ही और केरल पड़ता है मैप में दक्षिण में। देख लीजिए ये रहा मैप में केरल, ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो ये दोस्तों कर्नाटका से और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था के प्रमुख अजय त्यागी को 6 महीनों का विस्तार मिला? तो अजय त्यागी हैं दोस्तों सेबी के चीफ, सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी और इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 29 फरवरी को ये अपना 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाले थे और इनका पूरा कार्यकाल होने के बाद ये रिटायरमेंट ले लेते वहाँ से, लेकिन इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके, यानी कि इनको 6 महीनों का एक्सटेंशन मिला है। अजय त्यागी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं और ये अब सेबी के चीफ बने रहेंगे। सेबी आया है तो सेबी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 4 साल बाद यानी 1992 में ये पावर में आया था। ठीक है, सेबी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन करने वाला शहर कौन बना? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला सिटी बन गया है दोस्तों बेंगलुरु। ये रिपोर्ट है 2019 की, वर्ष 2019 भर में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाली सिटी है बेंगलुरु। सेकेंड पर है चेन्नई, थर्ड पर है मुंबई और फोर्थ पर है पुणे का स्थान डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में। ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों वर्ल्ड लाइन इंडिया ने। किसने? वर्ल्ड लाइन इंडिया की ये रिपोर्ट है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पर। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया है कि सबसे पसंदीदा माध्यम कौन रहा है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। तो सबसे पसंदीदा माध्यम UPI चुना गया है। UPI यानी कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, और इसके बाद डेबिट कार्ड को सबसे पसंदीदा बताया गया है डिजिटल ट्रांजेक्शन में। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में पहले नंबर पर सिटी है बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु का नाम एक और चीज़ में अभी फर्स्ट पर आया था,
टॉम टॉम की एक रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार दुनिया का सबसे ख़राब या कहें दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना था बेंगलुरु। इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है विश्व नागरिक रक्षा दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में 1 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। क्यों मनाया जाता है? ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम रखी गई थी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थी इस बार की थीम। एक्चुअली में इसे मनाया जाना शुरू हुआ था दोस्तों 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने इसे शामिल किया था 1990 में और तब से ये मनाया जाता है 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी को इसका नाम चेंज करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया, यानी कि लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इसको कर दिया है। कहाँ पर रही है स्थित? तो ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो इसका नाम अभी चेंज कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, इसके नाम को चेंज करने को मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, क्यों चेंज किया जा रहा है? तो इसके पीछे यूपी सरकार का तर्क है कि इस यूनिवर्सिटी में अब विदेशी भाषाओं के अलावा जैसे कि कुछ और विदेशी भाषाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे फ्रांसीसी हो गए, जर्मन हो गए, जापानी लैंग्वेजेस हो गई, ये भी इसमें सिखाई जाएंगी। तो क्योंकि उर्दू अरबी फारसी के अलावा कुछ और भी भाषाएं जोड़ी जाएंगी, इस वजह से इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई और नाम चेंज किए गए हैं जिस पर मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी दी हुई है। हम लोग आज बात करेंगे उन नामों की जो अभी हाल फिलहाल में चेंज किए गए, जैसे प्रवासी भारतीय केंद्र, इसका नाम चेंज करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया था। विदेश सेवा संस्थान का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज विदेश संस्थान कर दिया गया था। और हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया था। अच्छा, एक और नाम अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने चेंज करने का फैसला लिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इसका नाम चेंज करके मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया गया है। क्लियर है? इतना आप लोग याद रखिएगा और आप लोग MZT ऐप में जाकर के इसे ज़रूर सर्च कीजिएगा कि जो बदले हुए नाम हैं वो कौन कौन से हैं। उस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है और क्विज भी दी हुई है, तो उससे ज़्यादा आप लोग को याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दिया करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोग लास्ट 6 मंथ की ई बुक परचेज कर सकते हो, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, 303+1। राज्यसभा में यहीं से सबसे ज़्यादा सीटें जाती हैं और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश देख लीजिए मैप में। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे किससे? उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 8 स्टेट हो गए। प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिससे अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। भारत का सबसे ज़्यादा सीमाओं से, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं से बॉर्डर शेयर करने वाला भी राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये अवार्ड 6वें भारत विचार सम्मेलन में दिया गया है। क्यों दिया गया? राजनीति के लिए, ठीक है। इस अवार्ड में दोस्तों 1 लाख रुपये का कैश प्राइज, 1 ट्रॉफी और 1 सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, ये अवार्ड दिया किसने? तो ये अवार्ड दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और मालदीव के पीपल्स मजलिस जो वहाँ की संसद है उसके अध्यक्ष मोहम्मद नसीद ने, तो इन दोनों के द्वारा ये दिया गया है असम के चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल को। अच्छा, असम आया है, असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था कुछ दिन पहले कि असम का टिटबोर शहर असम का पहला शून्य कचरा शहर बना था। अब असम से स्टैटिक पॉइंट, असम की राजधानी दिसपुर। सर्वानंद सोनोवाल बीजेपी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गुवाहाटी हाईकोर्ट पड़ता है असम में और गुवाहाटी हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस मैंने आपको बताया अजय लांबा हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पर है। मानस टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। असम है कहाँ पर? तो ये रहा मैप में असम।
असम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड से शेयर करता है, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी होकर के बहती है। बस ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसी नदी पर बना है बोगीबेल ब्रिज। बोगीबेल ब्रिज दोस्तों ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कब शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया 1 मार्च को। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस। क्यों मनाया जाता है? सभी के बीच में इक्वलिटी लाने के लिए, सभी के बीच में भेदभाव खत्म करने के लिए ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। पहली बार ये 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। हालांकि इसके पहले HIV और एड्स पर यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2013 से ही अपना कैंपेन इसके लिए शुरू कर दिया था, वर्ल्ड एड्स डे के दिन से ही, यानी कहें कि 1 दिसंबर से ही, क्योंकि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो इसी दिन से ही ये शून्य भेदभाव दिवस शुरू कर दिया था, इस पर अभियान शुरू कर दिया था। पहली बार ये मनाया गया 2014 में और 1 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1 मई 2020 तक राज्य को सिंगल यूज्ड प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वो 1 मई 2020 तक राज्य को सिंगल यूज्ड प्लास्टिक फ्री कर देगा, यानी कि ना तो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज होगी और ना ही वहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई फिर भी यूज करता हुआ पाया जाता है तो BMC द्वारा, BMC यानी कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका के द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। BMC ने दोस्तों जून 2018 से लेकर के 86,000 किलोग्राम का प्लास्टिक जब्त किया है और इसके लिए उसने 4.65 करोड़ का जुर्माना भी लगाया हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना लक्ष्य रखा है कि 1 मई 2020 तक राज्य को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कर देगा। क्लियर है? अच्छा, अभी एक न्यूज आई थी कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो गया है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मुंबई है यहाँ की राजधानी। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के बने हैं चीफ मिनिस्टर। यहाँ के डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार, और यहाँ के विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं नाना पटोले। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र है कहाँ पर, तो ये देख लीजिए मैप में, ये रहा महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए, तो किससे किससे अपना बॉर्डर ये शेयर करता है? तो गुजरात से शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। क्लियर है? महाराष्ट्र में हाईकोर्ट पड़ता है बॉम्बे हाईकोर्ट, और बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर अभी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। कौन है? BP धर्माधिकारी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी और वैदिक विद्वान का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी का निधन हो गया। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और महान वैदिक विद्वान भी थे। ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वतंत्रता संग्राम में ये महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए थे और कई बार कई आंदोलनों में हिस्सा लिए और जेल भी गए हुए थे। पंडित सुधाकर चतुर्वेदी जी का नाम, असली नाम ये नहीं था, असली नाम इनका था सुधाकर कृष्ण राव, लेकिन चारों वेदों का इनको ज्ञान था, अच्छी नॉलेज थी, इस वजह से इनका नाम पड़ गया पंडित सुधाकर चतुर्वेदी, यानी कि चारों वेदों का ज्ञानी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने दुबई ओपन चैंपियनशिप 2020 जीता? दुबई ओपन चैंपियनशिप 2020 जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्टेफानोस सित्सितिपास को हराया है। स्टेफानोस सित्सितिपास यूनान के खिलाड़ी हैं, उनको हरा करके 5वीं बार इन्होंने जीता है दुबई ओपन चैंपियनशिप। अच्छा, नोवाक जोकोविच ने ही इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने ही जीता है, 8 बार जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पर मैंने वीडियो भी दी हुई है, क्विज भी दी हुई है, आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। लास्ट 6 मंथ की ईबुक अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, केवल 60 रेट्स में है अभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार
दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? अगला है, HDFC बैंक और इंडिगो एयरलाइंस के साथ कौन सा सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? अगर आपने लास्ट डे की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर कर ले जाएंगे आप। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इन्होंने डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं हर्षित पांडे, प्रतिभा सोनकर, राघवेंद्र प्रताप, मिथुन कुमार, गुड्डू कुमार, मोहम्मद जीसान, अंजलि गुप्ता, सुरभि गुप्ता, दीपिका, राहुल कुमार, शुभम कुमार, हर्ष सत्या, श्याम शेर कुमार, सुमित राठौर और रविशंकर। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप लोग डिटेल में डेली कमेंट करके टॉप 15 में अपना जगह बना सकते हो, और अगर आप मंथ भर टॉप 15 में जगह बनाते हो, मोस्टली आपका नाम आया हुआ है, तो पूरे मंथ से टॉप 20 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं और उन टॉप 20 लोगों को फ्री में ईबुक दी जाती है मंथली करंट अफेयर की। यानी कि ये टॉप 20 लोग होते हैं टॉप कमेंटेटर ऑफ द मंथ। तो आप लोग भी डेली कमेंट करके, डेली डिटेल में कमेंट करके ईबुक जीत सकते हैं और ये अवार्ड अपने नाम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।